डी स्टूडेंट्स ना वी आर डिस्कसिंग मकैनिकल है टेस्टिंग वेजल्स में जिन चीज़ों को देखना है हमने उनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे टू प्रिवेंट लीकेज ये पहला पॉइंट है अगर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर कोई लीकेज हो रही है तो उसको प्रिवेंट करना है टू प्रवेंट लीकेज आर एक्चर्स इट इज नी टू एग्जामन प्रेशर वेजल्स प्रोडिकली हम लोगों ने डेली वीकली मंथली सेमी एनुअली एनुअली या सम क्वार्टरली इन चीज़ों को देखना है कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर लीकेज तो नहीं हो रही या ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर प्रेशर की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही अगर कोई ऐसा है तो उसको हमें रिकवर करने की कवर करने की जरूरत है देर आर फाइव वाइड यूज नॉन डिस्ट्रक्टिव मैथड्स फॉर टेस्टिंग नंबर वन विजुअल एग्जामिशन विजुल एग्जामिनेशन नंबर टू लिक्विड पैनिट्रेशन टेस्ट नंबर थ्री मैगनीटिक पार्टिकल टेस्ट फोर एक्सरे रेडियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट अब ये जो पाँचों चीज़ें हैं ये बेसिकली क्यों की जाती हैं इन पाँचों का एक मकसद है कि आर्गेनाइजेशन में कहीं पर लीकेज है कहीं पर कोई प्रॉब्लम है कहीं पर प्रेशर की वजह से आर्गेनाइजेशन के ब्लॉक हुई हुई या कोई नाली इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम ये पाँचों टेस्ट यूज करते हैं और इन पाँचों का एक मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेक किया जा सके प्रेशर डेंजर्स टू ह्यूमन प्रेशर ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अहम है सम टाइम रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट्स बनाने की लेकिन समटाइम इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है कैसे यहाँ पे कुछ फिगर मैंने आपके लिए डी स्टूडेंट्स बनाए हैं एट हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए अराउंड टू थाउजेंड टू फाइव थाउजेंडन डेंजरसल प्रॉब्लम सच एज डिजीनेस ट्विचिंगशन एंड नोजिया में अकल जाहरी बात है कि अगर कोई चीज़ आपके कान को उस लेवल से ज्यादा चली जाए या बिलो चली जाए लेवल उसका प्रेशर का तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है चेंजेस इन टोटल प्रेशर कैन इंड्यूस ट्रेप गैस इफेक्ट विद्रीज इन प्रेशर ट्रैप्ड गैसेज्रीज इन वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉइल लॉ इसके मुताबिक समय आप लोगों का लेवल इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है से ज्यादा या कम इट विलो क्रिएट बैड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन प्रेशर डेंजरस टू ह्यूमन में फर्दर अगर देखा जाए इट इवॉल्व गैस इफेक्ट आर एसोसिएटेड विद दब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन टू बॉडी टिश्यूज हमें मालूम है कि हमारी बॉडी की एक स्पेसिफिक कम्पोजिशन है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन इन्वॉल्व है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो अदर गैसेज़ हैं जब लोग हम बाहर से इनहेल करेंगे तो वो हमारे मुख्तलिफ आर्गन और बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं ये उसकी हम बात कर रहे हैं वेन ब्रीथ नाइट्रोजन कैन बी ऑब्जॉर्ब इन टू आल बॉडी टिश्यूज इन कंसनट्रेशन परपोर्शन टू द पार्शल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर जाहरी बात है कि वैन यू विल इनहेल समथिंग नाइट्रोजन विल मूव टू वर्ट इंड यूर बॉडी अब उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकती है आपकी बॉडी में ये yes, टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है बॉडी में या और भी किसी किस्म की प्रॉब्लम का बास बन सकती है इस तरह जो प्रफ आर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों ने प्रोटेक्टिव मेयर्स यूज़ करने हैं उनके बगैर आप लोग कभी भी कैमिकल के साथ डील नहीं करेंगे डी कम्प्रेशन प्रोसीजर्स डी कम्प्रेशन प्रोसीजर सच प्रोसीजर्स प्लैंड एम्प्लाई सब्जेक्टेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग इन टू नाइन सी एफ ओ नाइनटीन टी सब पार्ट एस अपडिक्स ए अब यहाँ पे ये बेसिकली है क्या ये अकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं उन लोगों का स्पेसिफ़िक ये वाला क्लास है और उसमें स्पेसिफ़िक इस क्लास में इस चीज़ को बयान किया गया है कि किस तरह से हमने डी कम्प्रेशन प्रोसीजर को फॉलो करना है अगर आप एस ओ पीज़ को फॉलो करेंगे डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो स्मूथ होंगी और वहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी